रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर से एक वीडियो पेश कर रही हूँ, और वो टॉपिक है कि हम किस तरह से कमेंट्स जो हैं ऐड कर सकते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर, एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एडिंग कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स होते हैं जैसे कि अक्सर हम कमेंट्स पास करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, कुछ जुमले कह जाते हैं। ठीक है, मींस विच डू नॉट नीड एग्जीक्यूशन, बट इट टेल्स द प्रोग्रामर दैट व्हाट टू डू इन द प्रोग्राम। तो बिल्कुल इसी तरह C++ लैंग्वेज के अंदर भी जब हम कमेंट्स लिखते हैं तो वो कुछ एडिशनल, ना कोई फंक्शंस होते हैं, ना कोई डेटा होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होती उनकी, वो सिर्फ सेंटेंसेस होते हैं, यानी कमेंट्स हैं जो यूज़र को बता रहे हैं, या जो भी जो प्रोग्राम रन कर रहा है, या आफ्टर सो मेनी ईयर्स, सालों साल गुजरने के बाद आपने कमेंट्स जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तो मतलब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उसको देखते ही प्रोग्रामर को समझ आ जाएगा कि ये इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली, इस स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली क्या फाइंड आउट किया जा रहा है, किस चीज़ की कैलकुलेशन हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई टैग है, जैसे हेडलिंग सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर, मेन या बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन के अंदर, ठीक है, आपके पास कोई टैग आपने स्मॉल लैंग्वेज में, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना था और आपने उसको कैपिटल में लिख दिया, तो वो आपको साइन टेक्स्ट एरर दे देगा। बिल्कुल इसी तरह कमेंट्स हैं, ठीक है, कमेंट्स जो हैं यूज़र को पता होता है कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल हैं। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे जिस तरह से सेंटेंस मतलब, जैसे देखिए यहाँ पर अब मैं एक एग्जाम्पल सामने मैंने आपके प्रोग्राम की लिखी हुई है प्रिंट एफ, उसके साथ मैं कमेंट दे दूँ दैट दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट शोज द रिजल्ट ऑफ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये एक जनरल सिंपल लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेटिक में, यानी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ ना तो कोई टैग्स होते हैं, ना साइंटिक्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और अगर होगी तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इनको लिखेंगे तो वो इसका साइंटिक्स एरर दे देगा। ठीक है, अगर तो इसकी एग्जीक्यूशन होती तो बेसिक इसका यही इसका है सोर्स के इसमें एग्जीक्यूशन नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ प्रोग्रामर को बताते हैं कि आपने क्या करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कमेंट्स हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और कमेंट्स लिखने के कौन कौन से तरीके हैं। इसमें आपके पास दो टाइप्स होती हैं कमेंट्स लिखने के, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स। जी, फर्स्ट आपके पास है सिंगल लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो आपके पास एक स्टेटमेंट पे एक ही लाइन पर, सेम लाइन पर कमेंट्स देने के लिए होता है, और उसके लिए जो आपके पास सिंबल्स यूज़ होते हैं वो है दो स्लैशेस यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे मैं इसको जूम कर लेती हूँ। दीज टू स्लैशेस आर यूज टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर आपके पास एक सिंगल लाइन कमेंट जो है वो ऐड हो गया, यानी ये दो स्लैशेस लगा के उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट एज अ कमेंट, अपना जो कमेंट है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट जो है आपके पास, उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जो है वो आपके पास इसी सिंबल से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके साथ लगता है स्टार। ठीक है, ये स्टार्टिंग इसका है साइंटेक्स, और इसका एंडिंग साइंटेक्स होगा स्टार और स्लैश। यानी आपने कमेंट लिखने के बाद स्टार्ट में भी, कमेंट लिखने से पहले भी ये आपने सिंबल स्लैश और स्टैरिक यूज़ करना है, और बीच में आप कमेंट लिख के, स्टेटमेंट पूरी लिख के, उसके बाद स्टैरिक और स्लैश का एंडिंग सिंबल भी देना है, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो आपके पास प्रॉपरली आपका जो है मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो ऐड नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस, ये जो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स दिए हैं, साइंटेक्स दिए हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर, तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। CMMENT मल्टी लाइन कमेंट का मतलब ये है कि आपके पास ये एक से ज़्यादा लाइंस पर जा रहा है। ठीक है, इट कंटेन्स, इट इज़ गेटिंग द स्पेस ऑफ मोर देन वन लाइन, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आ जाता है।
अब इसकी मैं आप छोटी सी एग्जांपल आपको स्क्रीन पे यहाँ पर टाइप करके और उसको रन करके हम देखते हैं। स्टार्टिंग तो आपके पास सी प्रोग्राम की मैंने आपको बताया था हैश इंक्लूड और स्टूडियो डॉट एच यानी प्री डिफाइंड फंक्शन जो इनपुट आउटपुट मोड में आपके पास होती है, इसमें आप डेटा इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। ये आपने टैग देना है, ये सिंटैक्स स्टार्ट करना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि सेकेंड लाइन पे ही अगर हम कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट स्लैश स्टैटिक और दिस प्रोग्राम, अब स्लैश स्टैटिक के बाद आपने कोई स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। जब क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये केस सेंसिटिव है, जो फॉर्मेट आपको दिया गया है आपने बिल्कुल उसी तरह से इसको लिखना है, यानी स्टैटिक स्लैश स्टैटिक के बाद डायरेक्ट विदाउट गिविंग एनी स्पेस आप अपना कमेंट स्टार्ट कर देना। अगर आप स्पेस देंगे तो वो आपको एरर दे देगा। दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज क्या डिस्प्लेस कर रहा है, दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ a student of class 10 or anything else class 10 etc। अब आपने जो स्टेटमेंट लिख लिया उसकी आपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज भी करने हैं। ऑन द आउटपुट स्क्रीन अभी आपका कमेंट चल रहा है, आउटपुट स्क्रीन ऑन द के बाद आप इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं बेशक, ऑन द आउटपुट स्क्रीन आप देखें यहाँ आपने पूरा अपना कमेंट लिख लिया। उसके बाद आप अपने जो है मल्टी लाइन कमेंट का जो सिंटैक्स था उसको क्लोज भी करना है, यानी स्टैटिक और स्लैश करके। उसके बाद अब आप यूज़ करेंगे वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ तो ये तो एडिशनली बस कमेंट्स यूज़ हो रहा है ना, कमेंट यानी ये इट इज़ नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट, जैसे प्रोग्रामर को बता रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है और क्या चीज़ इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले होगी। अब आपका सेकंड मेन पार्ट शुरू होता है प्रोग्राम का वाइड यानी मेन सेक्शन, वाइड मेन जी ठीक है। वाइड मेन के बाद आपका जो है बॉडी टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने ये लिखना है। अब यहाँ पर आप चलें, हमने पहले मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो लिखा है टू थ्री लाइन में, अब यहाँ पे हम सिंगल लाइन कमेंट जो है वो लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपके पास दो स्लैशेस यूज़ होंगी, ठीक है। और उसके अंदर आप लिखते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। देखिए अब ये कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी इसकी, ठीक है। ये सिर्फ प्रोग्रामर को बताएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर या इस लाइन पर क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरह रिजल्ट डिस्प्ले होंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेयर ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग इसका दिया है। नेक्स्ट आगे है आपके पास प्रिंट एफ की आपने देनी है, जिस तरह से लास्ट पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एफ क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके पास मेन सेक्शन मेन बॉडी सेक्शन जो है वो बताता है, थर्ड पार्ट है आपके प्रोग्राम का, ठीक है। इंक्लूड के बाद वॉइड मेन और वॉइड मेन के बाद प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और I am a student of class 10 student of class 10 inverted commas close ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जो है वो आपके पास सेमी कॉलन। अब ये याद रखिएगा कि आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी सेमी कॉलन से जो है हर स्टेटमेंट जो है उसका एंड करते हैं। ये आपके पास लिखा गया,
अब एडिशनल कमेंट आप फिर क्या देना चाह रहे हैं इसी के अंदर, कि जो टेक्स्ट बॉडी है वो मेन फंक्शन जो है, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट दे दी हमने, मतलब ये आपने प्रिंट एफ जो आपका थर्ड पार्ट है उसको क्लोज़ कर दिया, कर्ली ब्रेसेस को जो है क्लोज़ करके। और उसके बाद आप मज़ीद एडिशनल कमेंट इसमें देना चाह रहे हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड्स हेयर। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम जो है वो सिंपली लिखा गया है। अब यहाँ पर आप जब इसको रन करेंगे तो उससे पहले आपने गो थ्रू करना है अपने प्रोग्राम को, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, कोई साइंटिक्स एरर ना हो। यानी आपने कोई कमांड अगर लिखनी है, कहीं पर सेमी कॉलन लगाने हैं, या कहीं पर आपने कमेंट सेक्शन के टैग्स को स्टार्ट किया है लेकिन क्लोज़ नहीं किया, तो फिर वो आपके पास एरर आ जाएगा। तो बेहतर है कि रन करने से पहले आप एक अपने पूरे प्रोग्राम को दोबारा से एक दफ़ा देख लें, ताकि जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी कम फाइंड आउट हो जाए और उसको हम डिटेक्ट करके सॉल्व कर सकें। अदरवाइज़ जब आप इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो एरर शो कर देगा। जी, फिर लास्ट प्रोग्राम की तरह यहाँ पर हमने वाइट जो है उसको एक्सक्लूड किया। वाइट क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि वाइट के साथ हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे। मेन के साथ जो हमारी ब्रैकेट है दैट इज़ ब्लैंक, उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, ठीक है। अगर हम वाइट लिखेंगे तो हमें मस्ट बी श्योर कि स्मॉल ब्रैकेट्स लिखी हैं मेन के बाद, उसके अंदर हमें आपने कोई इंटीजर स्ट्रिंग या कोई भी वैल्यू देनी है, ठीक है, क्योंकि वो एज इट इज़ प्रिंट करें। क्योंकि void फंक्शन का void जो रिजर्व वर्ड है स्टेटमेंट है उसका यही फंक्शन है कि वो आपको कोई वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करके देता, बल्कि उसके साथ जो वैल्यू आप लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो चूंकि यहाँ void के मेन के साथ आप कुछ भी नहीं लिख रहे थे, तो अगर आप उस प्रोग्राम को प्रिंट करते तो वो डेफिनेटली आपको एरर देता, तो इसलिए यहाँ से void का जो मेन की वर्ड है वो हटा दिया गया है। अब ये प्रोग्राम हमने सारा लिख लिया और उसको यहाँ पर हम कंपाइल करना चाह रहे हैं। कंपाइल करने से क्या मुराद होगा कि रन करके एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट्स स्क्रीन पे शो होंगे। तो ये आपके पास टास्क बार पे कंपाइल एंड रन का ये ऑप्शन है, या आप F11 जो है उससे कंपाइल एंड रन एट ए टाइम इकट्ठे कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन। अब यहाँ देखिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। कंपाइल करने के बाद ये आपके पास सामने आपके रिजल्ट आ गए, इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाकी सारा जो था ना वो कमेंट सेक्शन में था। फर्स्ट वाला आपने मल्टी लाइन कमेंट्स में यूज़ किया, यानी ये एग्जीक्यूशन नहीं थी जिससे प्रोग्रामर को उसने बताया है कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। और सेकंड वाले में इस कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये बताया है कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो रहा है और यहाँ से मेन बॉडी जो है स्टार्ट हो रही है। इसका एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं था। लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 2 और 3 पे जो लिखा हुआ था दैट वाज जस्ट अ कमेंट, ठीक है। 2 और 3 पे मल्टी लाइन कमेंट की एग्जांपल दी गई कि बताया गया था, और लाइन नंबर 5 और 7 पे आपके पास सिंगल लाइन कमेंट जो है उसके साइंटेक्स को यूज़ करके कमेंट्स दिए गए। तो पीछे क्या रह गया आपके पास, सिर्फ लाइन नंबर 1, 4 एंड 6, ये 3 लाइंस हैं जो एग्जीक्यूट हुई। बाकी सिर्फ आपके पास डिस्प्ले हैं, एक्सप्लेनेशन है आपके प्रोग्राम की। तो आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको कमेंट्स किस तरह से ऐड करने हैं और उनका क्या पर्पज़ है और किस तरह के कमेंट्स जो हैं आप C++ लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो से, आई होप सो कि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और अगर आप इसके अलावा कोई भी और टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और काइंडली वीडियोज़ को ना पूरा देखा करें। क्योंकि जब तक आप कोई भी लेक्चर या कोई भी वीडियो जो है पूरी नहीं देखेंगे, यू विल नेवर एवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल लेक्चर, ठीक है। आपको जो टॉपिक बताया जा रहा है आप उसको समझ नहीं सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।